राम राम। मैं पंडित इसके मिश्र इस जड़ का, इस पौधे के जड़ का टुकड़ा अपने मुख में रख करके उसके बाद किसी को भी आप खिला देंगे, अपने मुख में थोड़ा देर रखने के बाद जिसको भी आप खिला देंगे या खिला देंगे, चाहे वह युवक हो, युवती हो, स्त्री हो, पुरुष, बालक, बालिका, कोई भी हो, तो वह आपके वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बन जाएगा या बन जाएगी। अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक और असरदारी प्रयोगों में से प्रयोग है, आजमाइएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, श्रद्धा भाव और विश्वास हो तभी ये करिएगा। इस प्रयोग में जो मूल चाहिए वह है बाल छड़ की मूल, बाल छड़ का जल। बाल छड़ कैसा होता है गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपके आसपास पड़ोस में मिल जाएगा, नहीं तो जड़ी बूटी की दुकान पे मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो मेरे पास मिल जाएगा। एक एक स्टेप आपको बारीकी से सुनना है, समझना है। अंदर से आस्था और विश्वास के साथ अगर आप इसको अपने प्रयोग में लाते हैं तो अपनी सभी इच्छाओं को इसी प्रयोग से आप पूरा कर लेते हैं। आपके मन में वैचारिक जगत कोई बातें नहीं होनी चाहिए, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रयोग विधि पर चलना चाहिए। पहले तो आपको अपने इष्ट का स्मरण कर लेना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है, तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है, और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, सफलता मिलेगी मिलेगी, यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, मगर सच्ची श्रद्धा के साथ। और हमसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हर्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात और, हमसे संपर्क करना हो तो व्हाट्सएप का प्रयोग करिएगा, फ़ोन कॉल का कदापि नहीं। फ़ोन कॉल अधिक आने के चलते मोबाइल साइलेंट होता है, किसी का फ़ोन उठता है किसी का नहीं, मगर व्हाट्सएप का रिप्लाई मैं जरूर देता हूँ। आपने उसको किसी पात्र में ले लीजिए, और पहले तो अपने हाथों को ऐसे रगड़िए 2 से 4 मिनट तक, जब तक आपकी हथेलियाँ पूरी तरह गर्म ना हो जाए तब तक आपको रगड़ना है। उसके बाद जिस पात्र में आपने उसको रखा है उसको अपने हाथों पर किसी पात्र में रख करके अपनी उंगली को ऐसे आपको लाना है। उंगली को ऐसे लाइएगा कि अंदर स्पर्श ना हो, बस पात्र के पास पहुँचे, और आप ये सोचिए कि आपकी इच्छा शक्ति से, आपके गुरुदेव की शक्ति से, आपके इष्ट की शक्ति से, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है आपके माध्यम से उंगलियों में होते हुए उस चीज पात्र में पड़ रही है, और मेरे वीडियो के सामने उसको रख करके आप यह अनुभव करिए, कल्पना करिए कि मेरी एनर्जी भी उसमें समाहित हो रही है। श्रद्धा भाव, विश्वास, समर्पण की भावना हो तो करिएगा, अगर विश्वास नहीं हो तो बिल्कुल मत करिएगा। इस तरह से आप इसको प्रयोग में लाएंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यह प्रयोग आपको पुष्प नक्षत्र में करना है। ध्यान दीजिएगा, पुष्प नक्षत्र में, पुख नक्षत्र कहिए चाहे पुष्प नक्षत्र कहिए, बात एक ही हुआ। पुष्प नक्षत्र में यह प्रयोग करके देखिएगा, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। बाल छड़ की जड़ आपने लाया, उसको टुकड़ा कर लीजिए, छोटी छोटी गोली बना लीजिए, और उस श्रद्धा भाव विश्वास के साथ उसको अपने मुख में, किसी एक गोली को अपने मुख में रखिएगा, और फिर अगले को पान में डाल करके जिसको भी खिला देंगे या खिला देंगे, चाहे जिस भी प्रकार से अपनी बुद्धि का विवेक का प्रयोग करते हो, तो आपके वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बन जाएगा या बन जाएगी, और आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करेगा या पूरा करेगी। अपने आप में बहुत ही असरदारी प्रयोग है, आज मां के देखिएगा।
धन्यवाद। राम राम।